चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव्स। हमने एक्सरसाइज 5.1 कर ली, 5.2 कर ली, 5.4 भी कंप्लीट कर ली थी, 5.3 चल रही थी। 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से जो आगे क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या क्या सीखना है पहले उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 5.3 तो वो सीखने के लिए कुछ पॉइंट सीखने ऐसे ऐसे आप फॉर्मूले को रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी याद होंगे, कम याद करने पड़ेंगे। और हमेशा कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई प्लस है करना चाहिए, कभी प्लस होता तो प्लस है, माइनस बस ये याद रख लो, प्लस है तो कॉस वाले में माइनस आता है और माइनस है तो प्लस। प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी होती है, कुछ लोगों को याद करते वक्त। लेकिन एक दो पढ़ोगे जिसे इसमें क्या उस पे तो ये भूलेगा नहीं। ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए बी में दिक्कत होती है। देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस है अगर माइनस है तो पे प्लस आएगा आएगा। मगर इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या, वो ये cot b minus 1 upon में cot a plus cot b plus 1 upon में, देखो यहाँ पे cot a plus cot b है लेकिन यहाँ पे cot b minus cot a होगा। इसको भी आप चाहो तो cot b plus cot a plus किसका minus लग सकते हो, लेकिन ऐसे याद करो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा याद। बस में ये याद रखना है आपको कि cot b minus cot a होता है उल्टा, b पहले आएगा a बाद में आएगा। करनी है फॉर्मूले तो भाई
लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि एक बार पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें पता लग जाती है भाई हम किस किस चीज़ पर फोकस करके याद करें। तो कैटेगरी सेकंड चल रही है, कैटेगरी सेकंड पढ़ लिया कॉट ए प्लस बी, इसके बाद है कॉट ए माइनस बी भी पढ़ लिया, फोर प्लस ए, इसका बहुत यूज होता है, टेन पाई बाय फोर प्लस ए, टेन पाई बाय फोर प्लस ए होता है वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए। ये टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले को अगर आप एक्सप्लेन करोगे, इसमें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, एक्सपैंड करोगे तो यही, लेकिन आपको सीधा ये रिजल्ट याद कर लेना है। टेन पाई बाय फोर प्लस ए क्या होता है, वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, टेन पाई बाय फोर माइनस ए क्या होता है, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए, समझ रहे हो, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर नीचे प्लस, तो ऐसे करके याद करने हैं। तो ये के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सेकंड सम एंड डिफरेंस एंगल फॉर्मूला में 10 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी जो ट्वाइस एंगल फॉर्मूला, कैटेगरी थर्ड के अंदर ट्वाइस एंगल फॉर्मूला क्या हो रहा, ट्वाइस हो रहा, ट्वाइस एंगल फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला थर्ड में ट्वाइस एंगल फॉर्मूला, इसमें देखो एंगल क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहे हैं, ध्यान से देखोगे ट्वाइस, टू ए टू ए एंड टू ए, तो ऐसे याद रहेगा ट्वाइस एंगल फॉर्मूला है। तीन फॉर्मूला हमारे पास, साइन टू ए, साइन टू ए के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों याद होने चाहिए। इसका पहला फॉर्मूला होता है टू जो याद होना चाहिए, आपको याद भी होगा, इलेवंथ क्लास चलता रहेगा तो कॉमन फॉर्मूला है। तो इसका पहला फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए टेन ए अप टेन स्क्वायर, तो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ऐसे कॉस टू ए के चारों का यूज करते हैं हम, लेकिन आप सीधा याद रखोगे क्योंकि वहां पर डेराइव करने का टाइम नहीं होता, सीधा याद रखना है, ऐसे ही लिखा होगा, सीधा आपको कैच करना भैया ये चीज लिखी है, तो कॉस टू ए का फॉर्मूला है, तो कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद ट्वाइस एंगल फार्मूला में टेन साइन टू ए है ये वाला फार्मूला, ये और टू ए का दोनों सेम है, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन, अंतर है साइन फार्मूले फार्मूले है, उसमें सेकंड फार्मूला ये टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, सेकंड फार्मूला है और टेन अंतर यहाँ पे प्लस है और में माइनस है। ऐसे कंपेयर करके याद करोगे तो बच्चों गलतियाँ नहीं होंगी, और कंपेयर करके सीधा सीधा रट लोगे, रट्टा एप्लीकेशन कर दोगे तो फिर गलतियाँ होंगी। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी होता है कि भाई हम तो जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते हमें याद हो जाएंगे, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमने तो लिखे फार्मूले, हम पढ़ वढ़ नहीं रहे, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार फार्मूला देखेंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे, और क्वेश्चन करते करते हमें याद हो जाएंगे। बच्चों ये बिल्कुल गलत है, आप पहले याद कंपैरिजन करके याद करो, एक बार दो बार तीन बार चार पढ़ो, याद करने के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे चीजें पक्की हो जाती हैं। लेकिन आप सोचोगे क्वेश्चन करते करते हम फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन कर दें और फॉर्मूले आपको याद हो जाए, तो भाई ये गलत चीज है, वरना क्या होगा एग्जाम के अंदर भी आपको क्वेश्चन आप डिपेंडेंट हो जाओगे, या फॉर्मूला देख के करता था मैं तो वो आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको ये मेंटेलिटी रखनी है भाई, जो जैसे करना है वैसे ही करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, अपना दिमाग इसमें लगाना जो आपको बातें बोली जा रही हैं उसको फॉलो करना है। तो टेन टू ए का ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, साइन टू में प्लस होता है, टू में माइनस होता है। तो ये हो गया कैटेगरी, कैटेगरी अंदर फार्मूले हैं थ्राइस एंगल फार्मूला, थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स, थ्राइस एंगल फार्मूला। तो थ्राइस एंगल फार्मूले में देख लो एंगल जो है वो थ्री टाइम्स हो रहा है, थ्री ए थ्री ए, जब भी आपको थ्राइस एंगल फार्मूला दिख जाए, इसमें तीन फार्मूले हैं साइन थ्री ए कॉस थ्री ए एंड टेन थ्री ए। साइन थ्री ए का फार्मूला थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है, बिल्कुल आसान है, साइन थ्री ए तो साइन साइन आएगा, पहले साइन ए आएगा फिर क्यूब आएगा, और थ्री ए का फार्मूला तो कॉस थ्री ए वाले फार्मूले में कॉस कॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर होता है, देखो दोनों फार्मूले सेम है लगभग, साइन ए तो साइन आ रहा है और कॉस है तो कॉस आ रहा है, दोनों फार्मूले सेम है। कैसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे साइन साइन है, साइन एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है, ये हो गया ए का फॉर्मूला। अब कॉस थ्री में क्या याद रखना है भैया, जो कॉस है तो
लेकिन इसमें क्यू वाली टर्म बाद में, तो इसमें क्यू वाली टर्म पहले आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस थ्री कॉस ए, याद हो जाएगा, इसी तरीके से याद करने रहते हैं। तो वरना क्या होता है, हम याद कर लेते हैं, कंपैरिजन करके याद नहीं करते, तो हम कंफ्यूजन हो जाती है, हमको ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं पे हम क्यू पहले लगा देते हैं फिर कॉस ए बाद में लिख देते हैं, या साइन वाले में क्या आता है कहीं कॉस लिख देते हैं, तो ये कंफ्यूजन। जब ऐसे कंपैरिजन करके तो आपको पता रहेगा भैया यहाँ गलती होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कमेटी की स्पेलिंग बताओ, तो स्पेलिंग सोचने लग जाएंगे, तो आप जिसको जिसने याद कर रखा भाई डबल एम डबल टी डबल ई आता है, कमेटी की स्पेलिंग में सी ओ एम डबल एम आई डबल टी डबल ई होता है। तो अब जिसने ऐसे याद कर डबल एम डबल टी डबल ई होता है, तो वो तो कभी भूल ही नहीं सकता, वो बनाएगा ना, वो उसको पता है कि गलतियाँ कहाँ पर होती हैं। गलतियाँ होती हैं कि वो सिंगल एम लगाते हैं, सिंगल टी लगाते हैं, या आई लगाते हैं, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। जब आपने यही याद कर लिया कि कमेटी की स्पेलिंग में गलती कहाँ होती है, हमें नहीं पता कितनी बार आता है, हमें पता है टी कितनी बार आता है, कितनी बार ई आता है या आई आता है, तो हमने सीधा याद रख लिया कि जो नॉर्मल चीज़ें जो हमें याद रहेंगी उसको तो मैं फोकस कर ही नहीं रहा, मैं वो चीज़ फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी गलती होने के चांसेस है। गलती कहाँ होगी, मुझे मैंने डबली, बात क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। तो चलिए चल रहा है थ्राइस एंगल फॉर्मूला। थ्राइस एंगल फॉर्मूले में साइन थ्री ए हो गया थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, कॉस थ्री ए का फॉर्मूला हो गया क्यूब वाली टर्म पहले आएगी फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, टेन थ्री ए का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, इसमें हमेशा भूल जाते हैं, गड़बड़ होती है, तो आपको याद टेन क्यूब ए अपॉन में प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन थ्री ए का फॉर्मूला। और कैटेगरी फिफ्थ में जो फॉर्मूले प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फॉर्मूले में टू साइन ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूले जो बने हैं ये आपसे आपके सम एंड डिफरेंस एंगल फॉर्मूले से ही बने हैं। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी, दिख रहा है भाई साइन ए प्लस बी, तो इन्हीं फॉर्मूलों से ये फॉर्मूले बने हुए हैं। ये हमारे पास साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इससे हमने ये फॉर्मूला बना दिया, चल रहा है कैटेगरी फाइव। कैटेगरी फाइव में टू साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जब यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे सिंप्लीफाई करोगे तो कटने के बाद यही आता है, तो आपको सीधा देख लेना टू साइन ए कॉस बी है, टू साइन ए कॉस बी है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन ही रहेगा, और कॉस ए साइन बी है, देखो साइन और कॉस है, साइन और कॉस है, साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन ही रहेगा, टू कॉस ए साइन बी, तो कॉस और साइन की बात हो रही है, कॉस तो वही साइन की टर्म में ही बस आ जाएगा बीच में, साइन में है टू साइन बी और टू कॉस बी, जब में है साइन कॉस तो में आंसर आएगा, कॉस से तो आंसर आएगा, ये ऐसे याद करना है, टू साइन ए साइन क्या है कॉस माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी, साइन ए साइन बी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फॉर्मूला साइन और कॉस है, साइन और कॉस है तो आंसर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और कॉस पहले आ गया तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और कॉस है, बस मैं ये फॉर्मूले देखो लिखे हुए आपके सामने, मैं तो पढ़ रहा हूँ बस, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा सुना रहा हूँ आपको, ठीक है, याद करा सकता हूँ आपको ये फॉर्मूले, नहीं मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद करते हैं। कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, देखा है मैंने, क्वेश्चन आते हैं उनको मगर उनको फॉर्मूला याद नहीं होता, डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई फॉर्मूला बता दे कोई, फिर कर दूंगा करने हैं फॉर्मूले, वो तरीका बता रहा हूँ, मेहनत तो आपको करनी करनी है। तो टू साइन ए कॉस साइन 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 की बात आ गई तो कॉस में आएगा, और कॉस कॉस की बात आ गई तो भी कॉस में आएगा, इसमें माइनस इसमें, तो आप इसको तीन बार चार बार पांच बार आपको लगता है उतनी बार पढ़ो तो ये याद होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको एक्सरसाइज 5.3 अभी चल क्या रहा है, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको 5.1 करा चुका हूँ, 5.2 करा चुका हूँ, और 5.4 भी करा चुका हूँ डेरिवेटिव बाय चेन रूल, और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 हम कर चुके हैं,
लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो आज जितने क्वेश्चन है 10 12 14 तक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक जो क्वेश्चन है उनको सीखने के लिए आप ये अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आएगा तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं कर सकते। उन क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है कि खाली उन खाली वही भी क्वेश्चन होंगे कर सकते टाइप का कोई भी क्वेश्चन, तो आप इनकी जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जिस जो फर्स्ट पॉइंट है आपको याद करना है वो ये क्या है, होने ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो आपको याद होने ही चाहिए। अब ध्यान दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से, उसके लिए आपको ये चैप्टर नंबर 2 के पॉइंट्स याद होने चाहिए। चैप्टर 2 अच्छे से सिखाया जाएगा लेकिन क्योंकि अब जरूरत तो इसके बिना आप अच्छे से नहीं सीख सकते। डोमेन एंड रेंज की, लेकिन जब तक आपको ये अच्छे से नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट है ये, आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप 5.3 के क्वेश्चन बढ़िया से नहीं कर सकते कि आपको सब कुछ पता लग गया। तुक्के में तो कर सकते हो भैया, कोई रटवा दे या कोई गिनी चुनी बात बता दे, लेकिन क्वेश्चन का बेस नहीं पकड़ सकते। तो करना क्या है एक्सरसाइज 5.3 के लिए, पहला ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट। एंड पॉइंट नंबर फर्स्ट में पहले फॉर्मूले, पॉइंट नंबर सेकेंड ये है हमारे पास, इसको मैं सेकेंड पॉइंट दे रहा हूँ। और इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में पांच कैटेगरी बनाई है, फिर इसको छठी कैटेगरी में नाम दे दिया है इसको, लेकिन इसको मैं सेकंड पॉइंट दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया एंड सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब बच्चों ये है क्या चीज़, ये उठता है भाई तो ध्यान देना भाई क्या है, ये देख लेते हैं है क्या। एक बारी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, बाद में इसको जब चैप्टर 2 करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। देखो भाई ये क्या है, ये बोलता है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में। बच्चों ये है क्या, एक बार इतना सीख लेते हैं ताकि हमें 5.3 के क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। देखो बच्चों याद रखना हमेशा कि एवरी फंक्शन इज अ गन, दुनिया में जितने भी फंक्शन है मैं उनको बोलता हूँ ये गन है, गन मतलब बंदूक। एवरी फंक्शन इज अ गन, हर फंक्शन एक गन है, और गन एवरी इज अ गन, हर बुलेट्स होती है, तो एवरी फंक्शन इज अ गन, ये बुलेट है, बुलेट हम ऐसे फायर करेंगे तो बुलेट कहीं कहीं जाएगी। फंक्शन इज अ गन, बोलते हैं डोमेन, और फायर करने से वो बुलेट जहां जहां जाती हैं, फायर करने से वो बुलेट जहां जहां जाती हैं उसको बोलते हैं उस फंक्शन की वो क्या है रेंज, उस गन की वो क्या है रेंज। यानी सिंपल सी कहानी चल रही है भैया, ये समझ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये में आ गया, याद कर लिया, पहले तो समझ में आना चाहिए तभी याद होगा, अगर समझ में नहीं आता तभी याद ही नहीं हो सकता। सुनना बात ध्यान से, तो एवरी फंक्शन इज अ गन, मैं आपको कहूं कि हर फंक्शन एक गन होती है, यानी कि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 गन मौजूद है, 6 अलग तरह की गन। तो हर गन के अंदर उसकी एक स्पेशल गोली होती है भाई, कोई मान लो AK-47 है और उसके अंदर आप तो वो तो चलेगी नहीं, या एक बड़ा सा तोप है हमारे पास, उस तोप के अंदर आप माउजर की गोली तो डाल नहीं सकते। तो इसका मतलब तोप के लिए अलग गोली बनी है, गोला बना है, माउजर के लिए है, और जो मशीन गन है गोली है। तो कहने का मतलब क्या है, डोमेन एंड रेंज क्या है ये आपको याद,
और कैसे याद होगी वो मैं अभी आपको करा देता हूं। तो डोमेन रेंज क्या है, तो के लिए मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि गन हर फंक्शन क्या होती है, एक गन का काम करती है। यहां पर हमारे पास एक गन, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, छह गन हमारे पास मौजूद हैं। और एवरी फंक्शन इज अ गन, इसके अंदर ये लगाई मैंने मैगजीन, मैगजीन में क्या होती है बुलेट्स, वो बुलेट्स क्या क्या बुलाते हैं हम, डोमेन, क्या बुलाते हैं डोमेन, और फायर करते हैं वो जहां जाती है उसको क्या बुलाते हैं रेंज, क्या बुलाते हैं रेंज। तो आप सुनना मेरी बात से, वो बोलता है साइन इनवर्स एक गन है, उसके डोमेन यानी उसमें कौन कौन सी गोली चल सकती है, और गोली वही होती है जो चले, ऐसा ना हो कि गोली डालने के बाद आप चला रहे हो ठुस ठुस ठुस, वो गोली नहीं चल रही तो वो तो डोमेन कहलाएगा ही नहीं, मतलब वही गोली होगी जो उसके अंदर चले। साइन इनवर्स जो गन है उसके अंदर क्या क्या एक्स की वैल्यू आप रख सकते हो, माइनस वन से वन तक, क्लोज्ड इंटरवल है ये। इस ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों, ऐसे ब्रैकेट का मतलब होता है, ऐसा आगे आपके पास टू बी कुछ होगा, मैं सारा कुछ बताने वाला हूं तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लोज्ड, इसका मतलब मैं बोलता हूं कि अगर x कोई वैल्यू है वो इस क्लोज इंटरवल के बीच में है, तो इसका मतलब जो x होगा वो a और b के बीच में होगा, यानी x जो है वो a और b के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, और a से क्लोज्ड है और b से भी क्लोज्ड है, a से क्लोज्ड है और b से भी क्लोज्ड है, तो x जो है वो a के बराबर भी होगा और b के बराबर भी हो सकता है, a के बराबर भी हो सकता है और b के बराबर भी हो सकता है। तो यह है क्लोज इंटरवल का मतलब। अगर मैं बोलता हूं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। x बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ऐसे वाले ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो यह है ओपन इंटरवल, यह है क्लोज इंटरवल। तो मैं बोलता हूं x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 3 to 4, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और क्योंकि 3 से ओपन लगा हुआ है, 3 के यहां पे क्या लगा ओपन, 3 के यहां पे क्या लगा ओपन, 4 के यहां पे क्या लगा ओपन, ओपन का मतलब है 3 और 4 के बीच में तो कोई भी हो सकती है, लेकिन 3 से ओपन है और 4 से ओपन है और 3 और 4 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में कोई भी हो सकती है, क्योंकि 3 से ओपन है और 4 से भी क्या है ओपन, तो इसका मतलब 3 और 4 के बराबर नहीं होगी। और अगर मान लो इसकी जगह क्लोज, इसकी क्या बना दे 3 to 4, ऐसे क्लोज बना दे, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी, 3 से ओपन 3 के बराबर नहीं होगी, लेकिन 4 से क्लोज है तो 4 के बराबर हो सकती है। कहानी समझ में आ रही है? तो मैंने आपको इस ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल बता दिया, और भी हालांकि ये तो क्लोज इंटरवल 5.3 सीखने के लिए आपको एक तो डोमेन आना चाहिए, एक रेंज आनी चाहिए, और ये आपको याद, ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि हमारे पास टोटल मिलाकर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। भाई कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको याद होने ही चाहिए। फिर वो बोलता है क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ गन, तो इसमें इनकी एक बुलेट होगी, बुलेट चलेगी, कॉमन बुलेट भी हो सकती है कि भैया दो सेम टाइप की गन हो गई, नेचर सेम हो गया, तो एक में भी चल गई, एक वही बुलेट दूसरी में भी चल गई, मे बी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद करना है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनके डोमेन, यानी कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर आप कौन सी वैल्यू डाल सकते हो जिससे ये फंक्शन डिफाइंड हो, -1 से 1 तक, क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक। इसका मतलब आप x की जगह -1 रख सकते हो चलेगा, 1 रख सकते हो चलेगा, -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर रख सकते हो, 1/2, -1/2, 0, कुछ भी रख सकते हो चलेगा, ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। लेकिन अगर आप इस इंटरवल से बाहर रख देते हो, -1 भी रख सकते हो इसके अंदर चलेगा, 1 भी रख सकते हो चलेगा, क्योंकि क्लोज्ड है, क्लोज्ड में -1 और 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? लेकिन -1 के बाहर का रख दिया आपने -2, तो वो नहीं चलेगा, वो गोली इसके अंदर चलेगी नहीं। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स जो गन है, -2 उसका डोमेन नहीं है। आपको सीधा सीधा ये याद कर लेना है, साइन इनवर्स एक्स में कौन कौन सी बुलेट चलती हैं, यानी कौन कौन से डोमेन होते हैं, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, ये याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होते हैं, इसमें भी क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, इसमें भी होता है क्लोज इंटरवल -1, ये बुलेट चल जाएंगी। टेन इनवर्स एक्स में क्या चलते हैं, क्या डोमेन होते हैं, ऑल रियल नंबर, कोई भी डालोगे तो सारी बुलेट चलेंगी।
कौन से इनवर्स एक्स में क्या डोमेन होते हैं, सारे रियल नंबर माइनस लिखा है, माइनस का मतलब इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, माइनस वन और वन को छोड़कर, माइनस वन से ओपन इंटरवल माइनस वन और वन को छोड़कर, यानी कि सारे रियल नंबर होने चाहिए, सारे रियल नंबर होने चाहिए मगर किसको छोड़कर, माइनस वन से और वन तक के जितने भी नंबर होंगे उनको छोड़कर, बाकी सारे रियल नंबर। तो कोसेक इनवर्स एक्स के ये डोमेन हो गए। सेक इनवर्स एक्स के डोमेन क्या हो गए, सारे रियल नंबर ओपन इंटरवल माइनस वन और वन को छोड़कर। कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन क्या हो गए, सारे रियल नंबर। बच्चों ये आपको याद होना ही चाहिए, इसका यूज करूंगा मैं। तो ठीक है, आपको फंक्शन पता लग गया, छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद आपको पता लग गया डोमेन क्या होते हैं, आपको इनके डोमेन याद रखने हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी बुलेट चलेंगी, इससे बाहर के नंबर नहीं चल पाएंगे, इसमें सारे रियल चल जाएंगे, इसमें सारे रियल लेकिन कौन से नहीं चलेंगे, माइनस वन से वन तक ओपन इंटरवल, ये नंबर नहीं चलेंगे इसके अंदर, यानी कि ये इसके डोमेन नहीं है। अगर इसके बीच का कोई नंबर डालोगे तो ये नॉट जाएगा फंक्शन, मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, दुनिया में है ही नहीं ऐसा फंक्शन। तो फंक्शन पता लग गए, इनके डोमेन पता लग गए, अब सवाल उठता है इनकी रेंज का, इसका सवाल उठता है इसकी रेंज का। ये भी अभी आपको याद रखनी है, जब चैप्टर नंबर 2 के तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा भाई कैसे कैसे चीजें क्रिएट हुई हैं। यहाँ पर होता है जीरो, यहाँ पर पाई बाय टू, यहाँ पर पाई, यहाँ पर थ्री पाई बाय टू और यहाँ पर टू पाई, ये सबको पता है। और अभी इतनी सी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पाई बाय टू, यानी जीरो से नब्बे तक, जीरो डिग्री, वन डिग्री, टू डिग्री, थर्टी डिग्री, फोर्टी फाइव, सिक्सटी, नाइन्टी। पाई बाय टू को क्या बुलाते हैं, नाइन्टी डिग्री। पाई को क्या बुलाते हैं, 180 डिग्री। 3 पाई बाय 2 को क्या बुलाते हैं, 270 डिग्री। 2 पाई को क्या बुलाते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और 0 को 0 बोलो या 0 डिग्री भी बोलो, ध्यान देना। भाई यहाँ से चीज स्टार्ट हुई, यहाँ से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे 0 डिग्री था, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 90 डिग्री हो गया। 90 के बाद 91, 92, ऐसे करके चल के 180 डिग्री हो गया। फिर 181, 182, ऐसे करके 90 और आ गया। ये 90, 90 के तो क्वाड्रेंट है, 90, 90, 90, 90 कितना, 180, 90 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 270, 90 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 360। अब आपको बता क्या रहा हूँ वो याद करना है सबसे इम्पोर्टेंट। बच्चों ये पास है साइन इनवर्स एक्स की गन, क्या है ये, साइन इनवर्स एक्स की गन है ये मेरे पास, और मैं गन लेके खड़ा हूं, वहां पे गन लेके खड़ा हूं, और मुझे पता है इसके अंदर बुलेट डली हुई है। कौन सी बुलेट डली है, माइनस वन से वन तक बुलेट डली, इसके अंदर कौन सी, माइनस वन से वन तक, माइनस वन से वन तक इसके बीच के सारे नंबर साइन इनवर्स एक्स में डालोगे आप, चलेंगे, फंक्शन डिफाइंड होगा। अब क्या बात चल रही है, वो बात ये चल रही है साइन इनवर्स एक्स मेरे पास फंक्शन है और मुझे ये पता है यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे पाई बाय टू होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू होता है, यहाँ पे टू पाई होता है। जब बच्चों हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल आते हैं, सुनना बात ध्यान से भाई, जब हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारे पास कैसे एंगल आते हैं, पॉजिटिव एंगल। जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो हमारे पास कैसे एंगल आएंगे, नेगेटिव एंगल। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव एंगल आ रहे हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 91, 180, फिर ऐसे 181, ऐसे करके 270, 271, ऐसे 360, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव एंगल आ रहे हैं। जब आप ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव एंगल आएंगे, 0 डिग्री, माइनस 1 डिग्री, माइनस 2, माइनस 30, माइनस 45, माइनस 60 एंड माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 90, मतलब माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, और फिर और चलोगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पाई, माइनस का 180। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल आते हैं, 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर एक 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री एंड 360। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो यही चीजें नेगेटिव एंगल में आती हैं। अब एक छोटी सी बात आपको भेजे में बिठानी है, वो ये,
एक समझ जाओगे तो आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हो, वो याद तो करना ही करना है। साइन इनवर्स एक्स नाम की गन मेरे पास मौजूद है और उसके अंदर बुलेट माइनस वन से वन तक, यही मैगजीन साइन इन वाली गन ली मैंने, ये लगाई उसके अंदर बुलेट और तैयार दुश्मन को मारने के, और मैं ये गन लेके यहाँ पे खड़ा हूँ, साइन इनवर्स लेके मैं जीरो पे खड़ा हूँ। मुझे पता है गन की औकात क्या है, मेरे पास गन इनवर्स एक्स, तो मुझे पता है इस गन की औकात क्या है। अगर तो सत्रह भैया ऐसे सुने कि मेरे पास ये गन है और कोई बैठा है अमेरिका में और मैं उसको यहाँ से इस गन से शूट कर दूँ, गन है तो हर हर एक गन औकात होती है, औकात बोले तो रेंज। मेरे पास छोटी मैं यहाँ खड़ा हो गया और दुश्मन मेरा यहाँ पर है, मेरा जो दुश्मन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ साइन इनवर्स एक्स वाली गन लेके, दुश्मन यहाँ पर है और मुझे चिढ़ाया जा रहा है। मेरा है हिम्मत साइन इनवर्स एक्स बोल रहा है कि है हिम्मत तो मार के दिखा, तो बताओ क्या मैं उसको मार पाऊंगा? मैं उसको नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स की मेरे पास गन है बच्चों, उसकी औकात क्या है, उसकी रेंज क्या है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यानी कि माइनस पाई बाय टू ये रहा और पाई बाय टू ये रहा, यानी कि मेरे पास जो साइन इनवर्स एक्स की गन लेके खड़ा हूं, मैं यहां पे मार सकता हूं बंदे को जीरो से पाई बाय टू तक, और मैं कहां से जीरो से माइनस पाई बाय टू तक। तो साइन इनवर्स एक्स की जो गन है उसकी औकात क्या है, आप इस वाले एरिया में उसको कहीं भी मार सकते हो, इस वाले एरिया में कहीं भी मार सकते हो, लेकिन लेकिन वो बंदा तो यहां खड़ा है तो मैं इसको मार ही नहीं सकता। तो आपको इस बंदे को अगर मारना हो तो बताओ आपको कौन सी गन उठा लेनी चाहिए? अगर मैं कॉस इनवर्स वाली गन उठा लूं, कौन सी गन उठा लूं, बुलेट डलती है, तो क्या मैं इसको मार सकता हूं? कॉस इनवर्स वाली गन लेके मैं यहां पे खड़ा हूं और बंदा वो यहां पे खड़ा है, क्या मैं मार सकता हूं? कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है, औकात है, वो कहां से कहां तक फायर कर सकती है? आप जीरो पे खड़े हो तो जीरो से 180 तक मार सकते हो, तो जीरो से जीरो पे खड़ा हूं तो मैंने कॉस इनवर्स वाली गन उठाई और उस बंदे को कॉस इनवर्स वाली गन से मार दिया, क्योंकि वो इसकी रेंज में आ रहा है, आ रहा है ना रेंज में, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की गन की रेंज क्या है, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई तक कोई भी खड़ा होगा उसको उड़ा सकते। क्लियर भाई, कहानी क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो याद करना है भाई, तो आपको ये याद करना है जो आपको बात समझ में आ गई। तो अब आपको याद क्या करना है भैया, साइन इनवर्स एक्स के डोमेन याद, कौन कौन सी बुलेट चलती है उसके अंदर और उनकी रेंज याद करनी है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है जीरो से पाई तक हम फायर कर सकते हैं, माइनस पाई बाय टू, लेकिन ओपन इंटरवल, देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है,
जीरो से पाई, जीरो से पाई तक रेंज है, लेकिन उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, पाई बाय टू। तो पाई बाय टू पे खड़ा होगा तो नहीं मार सकते, लेकिन जीरो से पाई तक बाकी एरिया में होगा तो मैं उसको उड़ा दूंगा। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, जीरो से पाई। कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, जीरो से पाई। तो यानी कि जीरो से पाई तक मैं उड़ा दूंगा, लेकिन ओपन इंटरवल है मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा और पाई भी इंक्लूड नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो याद तो करना ही है, याद तो करना ही है, इसमें कोई बहानेबाजी या कुछ नहीं चलेगा। बस हम अब आपको बिल्कुल मैथमेटिकली समझ में आ गया कहानी क्या है। हमें इतना पता है कि तो भाई सुनना बात ध्यान से, तो ये हो गया हमारे पास, हमने क्या क्या कर लिया है, हमने कर लिया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले उसमें हमने किए हैं पार्ट के आपको कैटेगरी के फॉर्मूले, और हमने किया है कैटेगरी सिक्स के अंदर या सेकंड पॉइंट बोला है डोमेन एंड रेंज निकालना, इतना हमने कर लिया। ठीक है भाई, आगे की चलिए आगे की कहानी में क्या सीखना है। देखो भाई एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक, 14 ही है शायद, 9 टू 14 सीखने के लिए आपको, देखो अच्छे से सिखा रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं उठाया क्वेश्चन, अगर सीधा कराने लगता तो अभी तक हो गया होता और आपको समझ में भी आ गए होते, लेकिन वो जो डेप्थ है ना क्वेश्चन की उसमें दिक्कत रहती, आप क्वेश्चन को सही से एनालाइज नहीं कर पाते, और दिक्कत कहां पर आती कि बस तुक्का चलता, तुक्का चलता इन द सेंस, अभी बताऊंगा तुक्के कहाँ पे चलते हैं, ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे लोग तुक्के मारते हैं, या बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सीखा हो तो उन्होंने तुक्के में, इसको छोड़ना ये कुछ नहीं होता ऐसे भी बोल देते हैं, और ऐसे कर दो क्वेश्चन, आंसर आता है लेकिन कभी कभी उनका गलत भी आता है, उनको पता नहीं होता वो, और मैक्सिमम लोग बोलते हैं इसके दो आंसर हो जाएंगे, तो ध्यान देना भाई। तो एक्सरसाइज 5.3 सीखने के लिए रिक्वायरमेंट है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, रिक्वायरमेंट है सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज आपको याद होने चाहिए, ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात, अब बात कर देखो भाई, इसमें है हमारे पास थ्री टाइप्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 में जो टाइप्स हैं वो कैसी टाइप के क्वेश्चन हैं, थ्री टाइप्स के क्वेश्चन है, तीन टाइप चार टाइप, मैं आपको सारी डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या होती हैं, और वो जो 5.3 है वो कौन सी टाइप है, और वो टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, सुनना बात ध्यान से। तो टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन एक्सरसाइज 5.3 में सारी टाइप के बारे में डिस्कशन चल रहा है, टाइप नंबर वन बच्चों, टाइप नंबर वन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बाहर मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर मिलेगा एलजेब्रिक, ऐसा फंक्शन मिलेगा बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे भाई, उसने दे दिया बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, अंदर दे दिया उसने मान लो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको देख के नोट कर पा रहे हो, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर क्या है एलजेब्रिक, ये एलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर टू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, इनको क्या बोलते हैं एलजेब्रिक फंक्शन, सुनना बात ध्यान। तो क्या मिलने वाला है आपको, टाइप चल रही है 5.3 में, हालांकि 5.3
में एक टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के जितनी भी टाइप बनती हैं वो सारी टाइप सीक्वेंस में कराई जाती हैं। और अभी तो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें जो टाइप है वो है, और हमें सारी टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये कौन सी टाइप के क्वेश्चन है और इनका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। टाइप नंबर वन, बाहर इनवर्स फंक्शन मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन से बाहर साइन इनवर्स मिल गया और अंदर अलजेब्रिक मिल गया, ये है टाइप नंबर वन। बच्चों टाइप नंबर टू कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसके बारे में तो अभी चलेगा। अब जो टाइप नंबर वन आ गया उसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, वो भी तो सीखना है। टाइप नंबर टू, टाइप नंबर टू में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम बाहर मिल गया टेन इनवर्स, अंदर मिल गया मान लो कुछ कॉट थीटा, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा, कुछ भी, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और अंदर क्या है ट्रिग्नोमेट्री। टाइप नंबर टू। टाइप नंबर थ्री की बात चल रही है भाई, टाइप नंबर थ्री में टोटल बता रहे हैं आप, टोटल टाइप्स कितनी है। तो टाइप नंबर वन में मिलेंगे बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, टाइप टू में मिलेंगे बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, टाइप नंबर थ्री में मिलेंगे टेबल वाली वैल्यू, टेबल वैल्यू बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एग्जाम्पल भाई इसमें कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें कैसे मिलने वाले, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाहर मिल गया टेन इनवर्स अंदर मिल गया वन बाय रूट। ना बात ध्यान से भाई, तो टाइप थ्री में बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर टेबल वाली वैल्यू, टेबल वैल्यूज मिलेंगी, जैसे कि बाहर टेन इनवर्स अंदर क्या मिल गया वन बाय रूट थ्री, तो बाहर टेन इनवर्स है और टेन इनवर्स यानी कि टेन की टेबल में वन बाय रूट थ्री आता है, टेन की टेबल में वन बाय रूट थ्री आता है। ऐसे मिल गया मान लो बाहर साइन इनवर्स, बाहर मिल गया आपको साइन इनवर्स और अंदर मिल गया मान लो कि वन बाय टू या वन बाय रूट टू, तो देखा बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर क्या है टेबल वाली वैल्यू, तो यह है टाइप थ्री, ये है टाइप थ्री। चलो भाई ध्यान देना, तो आपको बता चल हमारे पास क्या है भाई, हाँ तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप टू में बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप थ्री में बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर टेबल वाली वैल्यू ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और यही तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अब सुनना कि जो पहली टाइप है उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप टू है उनको कैसे सॉल्व करते हैं और टाइप थ्री है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चल रहा है। अभी आपको बता रहा है भाई टाइप वन को सॉल्व करने का प्रोसीजर, हाउ टू सॉल्व इट। टाइप वन क्या है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, ये टाइप वन, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेगा अंदर एलजेब्रिक मिलेगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, तो बच्चों इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहला केस, इस पर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एलजेब्रिक है, अब एलजेब्रिक में जो भी एलजेब्रिक टर्म होगी, बच्चों आपको उसके अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो आपको आपको फॉर्मूला बनता नजर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा था, देखो भाई ये लिखा है मैंने क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर आपको फॉर्मूले याद है, देखो ये बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, तो जैसे ही आपको दिखा कि फॉर्मूला, जैसे ही आपको दिखा भाई ये फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले बनाओगे। क्या बनाना होता है हमें, करना क्या होता है, टाइप नंबर फर्स्ट चल रही है, टाइप नंबर फर्स्ट क्या बोलती है कि अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक दिख गया, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, जैसे कि यहां दिख गया बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने मर्जी क्वेश्चन हो सकते हैं, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, तो क्या करना रहता है भैया, हम इसको इसमें जो एलजेब्रिक है कि आपको करना क्या है, ध्यान दो भाई, टाइप नंबर वन सॉल्व बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलजेब्रिक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलजेब्रिक, तो करना है इनको, तो पहला केस है, पहला केस कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बनाते हैं, सब कुछ एक साथ बता रहा हूं, सारी जो भी जाएगा भी। तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलजेब्रिक प्रोसीजर क्या बोलता है कि बाहर प्रोसीजर बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बनाते हैं, क्या कैसे उसमें कुछ पुट करते हैं, होगा कोई भी वेरिएबल होगा उसको कुछ पुट करते हैं, ऐसा पुट करने के बाद अंदर बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी का अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाए। तो पहली बात है हमारे पास ये टाइप नंबर वन चल रही है, टाइप नंबर वन को कैसे सॉल्व करते हैं सीख रहे हैं, टाइप नंबर वन क्या बोलते हैं, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, ठीक है भाई बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, तो जैसे देखा बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक है तो मुझे पता लग गया इसमें एक्स को कुछ पुट करना है, तो क्या करते हैं इसके अंदर हम एक्स को पुट करते हैं, और ऐसा पुट करते हैं कि पुट करने के बाद सिंपलीफाई करूं, सिंपलीफाई करने के बाद बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो उसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक बनना चाहिए, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बन जाए, बाहर टेन इनवर्स तो अंदर क्या बन जाए, टेन इनवर्स तो क्या बन जाए, कॉट, बात समझ में आ रही है, क्या आएगा ध्यान से सुनते रहो बस खाली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने ये लिखा साइन इनवर्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया भाई, तो जैसे ही ये लिखा मुझे पता लग गया भैया तो इसको सॉल्व करना है मुझे, डेरिवेटिव की बात हमें इसको सिंपलीफाई करना है, तो जैसे ही बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर क्या दिखा मुझे एलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर टू एक्स थ्री एक्स, ये क्या है सब एलजेब्रिक तो है, तो मुझे दिमाग में आ गया बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, जब भी आपको बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक दिख जाए तो हमें पता है कि इसमें एक्स को कुछ पुट करना है, एक्स को कुछ ऐसा पुट करना है कि पुट करने के बाद सिंपलीफाई करूं, पुट करने के बाद सिंपलीफाई करूं तो बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो उसी का अंदर क्या आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, यानी बाहर साइन इनवर्स के अंदर साइन लाना है, ऐसा पुट करना है एक्स को, बाहर साइन इनवर्स के अंदर साइन, बाहर कॉस इनवर्स के अंदर कॉस लाना है, बाहर टेन इनवर्स के अंदर टेन लाना है, और वो आएगा क्या पुट करूं इसके अंदर, अब मुझे कैसे पता लगेगा भाई क्या पुट करना है, किसी क्वेश्चन में कुछ पुट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में पुट, क्योंकि हम रटेंगे क्या वहां पे सोचते रहेंगे, नहीं सोचने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना करते हैं, मैं आपको कुछ पा रहा हूं, पहली बात सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाए फॉर्मूला, सबसे पहले वो कैसे पता, कैसे कैच करना है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, भैया बार बार बोल रहा हूं करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से आपने इस कॉन्सेप्ट कोई भी आपको चीजें, तो अभी टाइप वन चल रही है बस खाली, 5.3 के को अभी तक मैंने आपको कराया क्या क्या भैया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बताए और मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया जो आपको याद करना है, इसके बाद आपको बता रहे हैं कि 5.3 में जो क्वेश्चन है हो तो एक सिंगल एक टाइप है, लेकिन उस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तीन टाइप, किसी टाइप के
तीन टाइप के। तो पहली टाइप की बात कर रहा हूँ कि पहली टाइप क्या बोलती है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर एक्सेंट्रिक आ गया तो क्या करना है। नंबर फॉर्मूला क्या होता है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भैया, क्या पुट करें, तो एक्स को पुट करके बनाते हैं, ये भी पता लग गया। अब पुट करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिखता है। इस नंबर वन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिखेगा, दिखता है, जिसको याद है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिखने लग जाएगा। केस नंबर कैसे दिखता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो ये एग्जाम्पल भी देख लो, इनवर्ट एंड 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। ऐसा एक फॉर्मूला होता है साइन की टर्म में, बाहर साइन इनवर्स तो अंदर साइन लाना है, ऐसा एक फॉर्मूला है साइन की टर्म में। कौन सा फॉर्मूला? साइन 2a का। साइन 2a के हमने दो फॉर्मूले याद किए थे, एक किया था 2 साइन a cos a और एक हमने ये किया था 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, फॉर्मूला एक किया था। ये साइन इनवर्स देखो, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर क्या है, एलजेब्रिक है। एलजेब्रिक में हमें पता है करते क्या है, पुट करते हैं x को। अब x को क्या पुट करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स अंदर साइन लाना है। साइन कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे साइन, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला दिख रहा है, देखो साफ साफ 2x है 1 + x स्क्वायर, ऐसा कैसे फार्मूले में होता है, हमें पता है कि अगर tan पुट कर दे तो tan पुट कर दे तो 2 tan a अपॉन में tan स्क्वायर a बन जाएगा और उसको हम साइन लिख सकते हैं। कैसे देखा, साइन इनवर्स ये आ गया हमारे पास, तो x को मैंने पुट कर दिया क्या tan a मान लो, क्या आ गया मेरे पास साइन इनवर्स एंड 2x की जगह रख दिया मैंने tan a अपॉन में 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर। अब देखो बच्चों साइन इनवर्स ये क्या हो गया, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है ये साइन 2a। तो आ गया जो हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए साइन, बाहर साइन इनवर्स तो अंदर साइन, बाहर टेन इनवर्स तो अंदर टेन, बाहर कॉट इनवर्स तो अंदर कॉट, ये क्वेश्चन प्रोसेस है। सुनते रहना, देखते रहना, अभी आपको 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, टू दी पॉइंट नोट्स बना लेना और आपको पता लग गया कि भाई ये एक टॉपिक है, ये आपको करने के लिए पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फिर इसका कोई आ देंगे। तो क्या चल रहा है, तो आइडिया कहां से आएगा, का पहला आइडिया नंबर वन ये है, आइडिया नंबर वन पहला कहां से, फॉर्मूला क्या आपको दिख जाएगा, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक है और एलजेब्रिक में एलजेब्रिक जाएगा। तो पहला आइडिया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, दूसरा है कि अगर कभी आपको अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो पुट कर देना हमेशा x इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस भी कर सकते हैं। अगर आपको दिख जाए अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो पुट कर देना x इज इक्वल टू एन थीटा या फिर कॉट थीटा। थीटा या फिर सॉरी x इक्वल्स टू sec थीटा या फिर cos x। तो
चल रही है टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन में चल क्या रहा है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर एलजेब्रिक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा एलजेब्रिक, एलजेब्रिक होगा तो एलजेब्रिक में हमें करना क्या भैया पता लग गया मुझे, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, मुझे बताया कि पुट करके क्या करना होता है, बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसी का अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक बनाना है, अब पुट करके बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक बनाना है, ये का आइडिया कहाँ से है, क्या पुट करूँ मैं, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन बन जाए, बाहर टेन इनवर्स अंदर टेन बन, क्या पुट करूँ कैसे पता लगेगा, तो पता लगाने के तीन नंबर वन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिख जाएगा, पुट करना है एक्स पुट करोगे उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता नजर आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होंगे तो दिखने लगेगा, अभी भी अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट याद रख लेना बच्चों मैथमेटिक्स में, याद अंडर रूट से सबको चिड़ होती है, अंडर रूट दिखता है तो चिड़, तो हमारा प्रयास होता है हमेशा कि अंडर रूट को भगा दें, अगर आपने अंडर रूट को भगा दिया तो समझ लो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है, जब भी अंडर रूट दिख जाए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो आप पुट कर दो साइन थीटा या कॉस थीटा, पता क्या होगा क्यों पुट कर रहा हूँ मैं साइन थीटा, अगर यहाँ पे साइन थीटा पुट करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा, अंडर रूट भाग गया, या कॉस थीटा पुट करोगे तब भी चल जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा पुट करोगे तो वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर रूट कैंसिल देन साइन थीटा आ जाएगा, रूट भाग गया, वैसे अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया रूट के अंदर आपको तो क्या पुट करना सही रहेगा टेन थीटा या कॉस थीटा, क्यों क्योंकि फॉर्मूले हैं इसके, तो वन प्लस टेन थीटा पुट करोगे यहाँ पे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकंड सेकंड स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर थीटा, फिर सेकंड रूट स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेक थीटा आ जाएगा, या फिर कॉट थीटा पुट करो यहाँ पे कॉट थीटा पुट करोगे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये भी आपको फॉर्मूला लिखा है मैंने वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, इसमें क्या करोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस वन दिख गया तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन को उधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें क्या पुट करोगे सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा, तो ये है कहानी थोड़ी सी बात। चलिए एक तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले दिखते हैं, दूसरे में आपको ये दिखाई दे तो आपको ये पुट करना रहेगा, तीसरी अगर आपको कभी रूट के अंदर रूट ना भी हो अगर आपको कभी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स तो आप पुट करोगे हमेशा x cos दोनों के इसका अगर 1 प्लस एक्स लिखा cos थीटा पुट किया क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लिखवा रखा भैया प्लस cos थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया थीटा बाय टू और वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस एक्स या माइनस एक्स है एक्स कॉस थीटा फायदा क्या होगा वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा वन प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है टू कॉस थीटा बाय टू सिंप्लीफाइड हो जाएगा और यहाँ पे करोगे तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी होता है क्या टू साइन थीटा बाय अंदर अगर मान लो कभी ऐसा लिखा गया ये वन की जगह कुछ लिखे ए या आर या टू या थ्री या ए लिखे तो वन की जगह लिख दिया तभी
मान लो यहाँ पे लिख देता है ये ए प्लस वन प्लस एक्स की जगह ए, तो आप क्या पुट करोगे, ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स? इसी फॉर्मूले में जितना भी क्या वहाँ पे ए लिख देगा, वन की जगह ए लिख देगा। अगर उसने कभी ए लिख दिया तो फिर आपको क्या पुट, फायदा क्या होगा? अगर आप ए कॉस थीटा पुट करोगे एक्स की जगह, जगह ए कॉस थीटा पुट करोगे तो ए एक्स की जगह ए कॉस थीटा पुट करोगे तो फायदा क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा एक्स की जगह ए कॉस थीटा पुट करोगे एक्स की जगह ए कॉस थीटा, तो नॉर्मली हम एक्स वन होता है तो क्या पुट करते हैं, तो अगर ए भी पिक्चर में डाल दे, वो किसी क्वेश्चन में ए डाल दे, तो आपको फिर साथ में जो पुट करते हैं साथ में ए भी लगाना, तो ए प्लस एक्स है तो मैंने इसकी जगह ए कॉस थीटा पुट किया, तो क्या होगा इससे ए, ए क्या हुआ कॉमन आ गया, तो क्या हो गया वन प्लस कॉस थीटा, ये ए बाहर आ गया, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए बाहर आ गया मतलब बन। तो अगर जो भी आप पुट कर रहे हो चीज़ें तो उस क्वेश्चन के अंदर ए डाल दे, वो किसी भी क्वेश्चन में ए डाल दे, टू डाल दे, थ्री डाल दे, बी डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो आपको जो पुट करना है उसके साथ में ए बी बी वो तो रख के क्या होगा फॉर्मूले बन जाए। बच्चों भाई ध्यान देना, सभी ध्यान देना, क्या सीख लिया भाई, ये भी याद रखना, अभी तक क्या क्या चल रहा है क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं भाई, क्वेश्चन तो हम धड़ाधड़ करते चले, लाइफ चल रही है अभी तक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रा, तो आपने ये बात और 5.3 बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रा, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रा, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रा, तो आपको पता कि इसमें को कुछ पुट करते हैं और ऐसा पुट करते हैं कि पुट करने के बाद सिंपलीफाई करें तो बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बने, एक्स को ऐसा पुट करना है वो हमें सोचना है कि क्या पुट करूं कि बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बने, या सोचना है अब या तो सोच ये पुट करते हैं 1 प्लस एक्स ये पुट करते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पुट करते हैं 1 प्लस एक्स ये पुट करते हैं और ये ए साथ में आ जाता है, या फिर पुट करने का आइडिया कहाँ से मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले देखेंगे, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक में फॉर्मूले की शेप होगी बस एक्स को उसकी जगह का बन जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद होंगे तो वही पता लग जाएगा, ये चल रहा है बस टाइप नंबर वन, ये टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन हमने कर लिया, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो हो गया टाइप नंबर वन में ही, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, बात करने का मन कर रहा है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर एल्जेब्रिक, ये कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब में लग जाएगा, जो हम टाइप नंबर वन कर रहे हैं वो सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, तो उसमें ये सारी बातें फॉलो होती है। लेकिन मान लो उसने ये क्वेश्चन दे दिया और आप सोचने लग गए बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रिक, तो मुझे पता है एक्स को कुछ पुट करना है, ऐसा पुट करना है कि पुट करने के बाद सिंपलीफाई करूं तो बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसका अंदर क्या बन जाए ट्रिग्नोमेट्रिक लग जाओगे। लेकिन देख रहा हूं इसमें तो आप कुछ भी पुट कर लो, ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है, कुछ भी कर लो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है, ना कोई रूट है, तो मुझे आइडिया आई नहीं रहा क्या, वैसे तो ऐसा भी तो होगा मेरे हाथ बंद जाएंगे, क्या होता है बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रिक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रिक, जैसे बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एल्जेब्रिक देखा तो मुझे पता लग गया कि एक्स करना है पुट, सिंपलीफाई करने के लिए एक्स को पुट करना है, पुट करने का आइडिया कहाँ से आएगा, पुट करने का आइडिया आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला दिखेगा तो एल्जेब्रिक होगा, दूसरा पुट करने का आइडिया कैसे कहाँ से आएगा, ये रूट रूट दिखेंगे ऐसा दिखेगा तो हम ये पुट कर देंगे, उससे सिंपलीफाई करेंगे तो बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसका अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा। लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देख ना इनमें से कुछ है कुछ भी नहीं आ रहा, क्या पुट करूं कि बाहर, अभी तो अगर ऐसा होगा तो बच्चों सही नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो
वेरीफाई नहीं होगा तो उसको मैसेज डायरेक्ट ही करेंगे, सीधा कुछ नहीं कर सकते उसमें, हाथ बंध गए। ऐसा नहीं कि जिसे पकड़ के बैठ जाने की, हर अगर ज्योमेट्री का फॉर्मूला दिख जाए तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो दिख जाए तो लग जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि क्या पुट करना है, या फिर ये सब दिख करना है कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बन जाए उसी का। लेकिन अगर ना आपको दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी नहीं है और भी नहीं, तो क्या पुट करूँ, तो सिंपली सारे क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएंगे। ओके ओके मेरे भाई, पूरी कहानी टाइप नंबर वन। टाइप टू है बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, टाइप टू है हमारे पास। टाइप टू क्या बोलती है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा और अंदर क्या मिलेगा, और क्या बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन कर अंदर दे दिया उसने। सेकेंड टाइप है बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको सिंपलीफाई करना है बच्चों, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रिक तो क्या करना होता है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रिक तो एक्स को कुछ पुट करते हैं, ऐसा पुट करते हैं कि पुट करने का सिंपलीफाई करें, बाहर जितना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाए। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें पुट नहीं करते, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें कुछ पुट पुट नहीं करना। इसमें क्या करना है, इसमें आपको अंदर वाले को ऐसे सिंपलीफाई करना है, बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसका ट्रिग्नोमेट्री करना होगा। तो बस इसी के साथ खेलो खेलो, कुछ फॉर्मूला लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ गरमबाजी लगाओ, इसके साथ खेलो और क्या करो, बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री बन जाए, हो जाएगा। लेकिन जरूरत है कि सब में ही हो जाए, नहीं होगा तो छोड़ोगे, सीधा वैसे ही रखोगे, वैसे ही होगा क्वेश्चन सॉल्व, साइन ही ऐसा किया गया। बाहर
मुझे पता है tan इनवर्स के अंदर ये यहाँ पे क्या होती है, ये मैंने हमने डोमेन किए थे याद, थोड़ा सा समझ लेना एक बारी। गोली चला सकते हो जो इसकी में होगी। अब आपको याद होना चाहिए tan inverse की रेंज क्या होती है, सॉरी tan inverse की गोली चला सकते हो, डोमेन की बात हो रही है, सॉरी स्टार्टिंग y equals to ये फंक्शन दे दिया, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है y equals to ये फंक्शन दे दिया। अब ये जो बात लिखी है साइड में, इसका क्या रोल, इसका पहला रोल ये है कि जो x की वैल्यू है वो इसके और इसके बीच माइनस वन बाय रूट थ्री और वन बाय रूट, यानी आप x की जगह इसके बीच का कोई भी नंबर रखोगे, इसके बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो आपके पास डोमेन आएगा। क्या आएगा इसका डोमेन, जो tan इनवर्स का डोमेन है। और अगर डोमेन नहीं आता है यानी कोई बुलेट नहीं आती है तो इसका मतलब ये फंक्शन पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, जो चीज दुनिया में नहीं है तो उसका डेरिवेटिव करके करोगे क्या। यानी कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है, ये जो चीज़ है, ये क्या होगी, ये जो चीज़ है पूरी की पूरी क्या होगी, इसके tan inverse गन और ये गोली, ये गोली और ये गोली क्या होनी चाहिए, इसकी डोमेन होनी चाहिए, ये गोली क्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था tan inverse के डोमेन डोमेन क्या होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, tan inverse के डोमेन के अंदर ये होना चाहिए। तो ये डोमेन कब होगा, जब कब गोली होगी, जब x की वैल्यू इसके और इसके बीच में, जब आप x की वैल्यू इसके और इसके बीच की कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पर तो ये tan inverse की गोली आएगी, tan inverse का डोमेन आएगा, ये दे रखा है। किस क्योंकि x इसके इसके बीच में होगा तभी ये जो यहाँ पर डोमेन है बुलेट है, यहाँ tan inverse ये क्या होती है, ये गन और ये क्या होती है बुलेट, ये गन हो गई, ये क्या हो गई बुलेट, ये बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये गन हो गई, ये क्या हो गई बुलेट, तो ये बुलेट इसके अंदर चलनी चाहिए। तो ये जो अब चलेगी जब x की वैल्यू इसके इसके बीच में होगी तो इसकी बुलेट आ जाएगी, यानी कि फंक्शन डिफाइंड होगा कब, जब x जो है वो इसके इसके बीच में होगा। और भी छोटा सा रोल है वो क्या, किस किस लिए ये है, इसलिए दी होती है कि ये जो tan inverse गन हो गई ये क्या है, इसकी बुलेट, तो बुलेट होनी चाहिए, नहीं पता लगे ये बुलेट ही नहीं है इसकी तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, और फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसका डेरिवेटिव का क्या कैसे करोगे, ये बुलेट। और ये बुलेट कब होगी, जब x की वैल्यू इसके इसके बीच का नंबर होगा कोई भी, तो इसकी बुलेट आती जाएंगी और आप फायर करते रहोगे, इसकी रेंज आती रहेगी, इसलिए ये दे रखा है कि फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड। चलो अब बात आती है सॉल्व करने की, कुछ चीज़ें हैं जो चैप्टर नंबर टू में बहुत अच्छे से आई जाएंगी। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के लिए चलो अब इसको अब भूल जाते हैं हम, थोड़ी देर के लिए पता लग गया ये इसके डोमेन है, ये इसके डोमेन है, ये tan inverse गन है, ये बुलेट होनी चाहिए, ये बुलेट कब बनेगी, जब x की वैल्यू इसके बीच में, तो इसकी बुलेट आएगी, और बुलेट आएगी तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, वैल्यू जब इसके इसके बीच में होगी तभी फंक्शन डिफाइंड मेरे पास, या इसका डेरिवेटिव करो dy / dx निकालो, भाई कौन सी टाइप है ये, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक। तो जैसे मैंने देखा बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, तो मुझे पता लग गया इस एलजेब्रिक में एक्स को कुछ ऐसा पुट करना है कि पुट करने के बाद सिंपलीफाई करूं, बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक बने, बाहर tan inverse तो अंदर tan बने। और बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका था, आइडिया नंबर वन कहाँ से आता है, आइडिया नंबर वन क्या होता है, फॉर्मूला, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऐसा है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता नजर आएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा tan 3a का। तो tan 3a का आपने फॉर्मूला याद कर, क्या था tan 3a का, tan a माइनस सीधा सीधा करूंगा तो बहुत
10 बस 10 कैंसिल, काटते नहीं है आपको, काट सकते हो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काटना तो गलत ही होता है लेकिन यही आता है। ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू 3 है। अब क्या करना है, y इक्वल टू 3 आ गया, अब मुझे क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू यहां से निकल आएगी, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो गया, tan इनवर्स x इक्वल टू a। तो अब बताओ y इक्वल टू क्या हो गया, 3। a की वैल्यू क्या निकाली हमने, tan इनवर्स x निकाला। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, y का क्या होगा, dy by dx, t कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट करेंगे। यही कहानी यहाँ पे आ गई, जब ये पूरा cos इनवर्स का क्या होगा, मेन होगी जब x की वैल्यू इसके तभी बनेगी, ठीक है। इसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर क्या है, एलजेब्रिक, वही क्वेश्चन चल रहे हैं, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर क्या है, एलजेब्रिक। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर एलजेब्रिक, तो हमें x को क्या करना है भाई, पुट करना है कुछ, तो x को कुछ ऐसा पुट करना है कि पुट करने का सिंपलीफाई करें तो बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos बन जाए। पुट करने का आइडिया कहां से आएगा, इसमें आइडिया आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले याद है तो, फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमने cos 2a के फॉर्मूले किए थे चार, एक किया था हमने cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्या, और एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक था हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक और था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बिल्कुल था। अब कौन सा दिख रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस आ जाएगा बाहर, कॉस इनवर्स अंदर कॉस आ जाएगा, तो इसमें पुट कर दो एक्स इक्वल्स टू क्या, टेन पुट कर देते हैं। तो y is equals to क्या हो जाएगा, cos inverse, ये हो गया 1 minus क्या, x की जगह 10 a, तो 10 square a upon में क्या, 1 plus 10 square a। और सिंपलीफाई करते हैं, y equals to क्या हो गया, cos inverse, एंड ये किसका फॉर्मूला हो गया, पता लग गया cos 2a का हो गया, सिंपलीफाई कर दो, दिस विल कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास, y equals to cos 2a, y equals to 2a, a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू यहां से निकल आएगी, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, इसको tan को इस तरह ले जाओगे तो इनवर्स बन जाता है बराबर a, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू, a की वैल्यू यहां पुट कर दो तो y equals to 2, a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, अब डेरिवेटिव कर दो, y का क्या होगा, dy by dx, y का क्या होगा, dy by dx is equals to 2 and tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x square, this is the final answer, I hope clear है। ये रहा, इसमें भी दिख रहा है सीधा फॉर्मूला बनता, देखो कैसे पुट, अब इसमें फॉर्मूला बनता तो नजर आ रहा है लेकिन आपको साइन का फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसमें कॉस का, तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे वो एक, तो पुट एक्स इक्वल्स टू क्या, टेन ए, वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, हो गया y is equals to sin inverse, x को ये पुट कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 minus 10 square, 1 plus 10 square, अभी लिखा था, इसका ये cos 2a, इसका cos 2a का है, cos 2a का ना है, cos 2a का फॉर्मूला है, तो ये तो क्या करना है, तो बाहर sin inverse तो अंदर sin बन, बोलो पूरे को थीटा, आपको ये तो पता ही है, cos cos sin 90 minus theta क्या होता है, cos theta है भाई, तो identity से भी कर सकते हैं लेकिन मैं अभी आपको ऐसे सिखा रहा हूँ क्योंकि chapter 2 अभी सिखाया नहीं है। y equals to sin inverse, ये हमने put कर दिया 10, ये formula बन गया, बाहर क्या है sin inverse, तो अंदर मुझे sin बनाना है लेकिन अंदर तो cos आ गया, गड़बड़ हो गई, तो cos theta को sin 90 minus theta लिखा जा सकता है, cos इसको बोलो थीटा, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 minus थीटा लिख सकते हैं, sin sin cancel and y equals to क्या हो जाएगा, 90 minus थीटा, थीटा थीटा कौन है, यहाँ पे थीटा 2a,
फॉर्मूला पता, यहाँ तक क्लियर है? ओहो सुन लो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कॉस 2, पुट कर दिया, बाहर साइन इनवर्स आ गया, अंदर कॉस आ गया, लेकिन हम रूल क्या होता है, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन बनाना है। अब ये साइन कैसे बनेगा, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस कॉस को, ये वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है यहाँ पर, 2a, ठीक है भाई। अब ये साइन इनवर्स साइन कट गया तो क्या आ गया, 90 माइनस 2a आ गया, ठीक है भाई। अब y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2a, a क्या है, a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या, a, और सिंपल माइनस 2a, a की वैल्यू क्या निकाली हमने, tan इनवर्स x निकाली, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 90, ये हो गया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव तो निकालना है, dy by dx इज इक्वल टू, 90 क्या है, कांस्टेंट, 90 क्या है, डेरिवेटिव करना है, तो y का dy by dx, 90 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फॉर्मूला बन रहा है। इसमें मैं वाई, इसमें मैं पुट कर देता हूँ, क्या पुट करूँ, पुट एक्स इक्वल्स टू क्या, टेन ए, क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा टू टेन ए अपॉन में क्या भाई, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, पुट कर दिया, वाई इज इक्वल्स टू बाहर हो गया कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, किसका बना है, लेकिन ये फॉर्मूला साइन टू ए का, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन टू ए हो गया, लेकिन बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर मुझे कॉस बनाना है, तो इस साइन को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा, लिख सकते हो आप इसको, क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इस साइन थीटा, इसको थीटा बोलो पूरे को, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को कॉस, इस साइन, अब ये इसको कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या, यहाँ तक पहुँच गए, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 90 माइनस 2a, a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स x आ रहा था, y इक्वल टू 90 माइनस 2a, a क्या है, tan इनवर्स x, अब डेरिवेटिव कर दो, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx, 90 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हटा दो, तो माइनस 2 बचेगा, और tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस, क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब जैसे ना इसका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ये आप वही मान के चलो, क्योंकि ज्यादा बता दूंगा तो दिमाग भन्ना जाएगा और पजल हो जाओगे कि क्या क्या है ये वो, छोटी सी बात है, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना चाहता हूँ मैं सारे पॉइंट। देखो जैसे एक क्वेश्चन आ गया, करना है भाई क्या पुट करना है, मैंने आपको लिखवाया था अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या पुट कर सकते हो, साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा पुट कर सकते हो, कॉस थीटा, दोनों दोनों से आंसर आएगा, लेकिन अलग अलग आएगा, एक सही होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बात जो लिखी है ये बात बताएगी कि हमें पुट क्या करना है, साइन करना है या कॉस करना है, ये बात अगर नहीं लिखी तो कुछ भी करो, साइन करो या कॉस करो, आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों सही है। ओहो हो, चलिए भाई सुनना, एक तो ये बोलता है ये एक्स क्या है, ये हमारे पास साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स, ये इसकी बुलेट्स है, ये बुलेट्स कब बनेगी, जब एक्स की वैल्यू इसके बीच में होगी तो बुलेट बनेगी, क्या बच्चों,
चलिए भाई, अब मुझे पता लग गया, देखना बच्चों बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, ये ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था बाद में बताऊँगा लेकिन वो दिमाग में रह जाएगा ना पॉइंट आपके तो दिक्कत करेगा, इसलिए हम बताएंगे। तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर तो मुझे पता लगा एक्स को कुछ पुट करना है बच्चों, पुट करके हमें करना क्या है कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो साइन बनाना है, और पुट करने का आइडिया कहाँ से आता है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जैसा दिखता है, पता लग जाता है ये फॉर्मूला बन जाएगा। और आइडिया कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया अंडर रूट को भगाना होता है, तो मैंने आपको बताया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप साइन पुट कर सकते हो, कॉस पुट कर सकते हो, तो साइन पुट आंसर आएगा, कॉस पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ये बात नहीं लिखी होगी, खाली ये क्वेश्चन होता तो मैं कुछ भी पुट करता, साइन पुट करता या कॉस पुट करता तो आंसर आता और दोनों से सही होता पूरे। लेकिन जिन क्वेश्चन के अंदर साइड में तो आपको इसको मध्य नजर रखते हुए पुट करना, अगर मैं पुट करूं करना ना अंडर रूट होता है तो एक्स को पुट कर सकते हैं साइन या कॉस, चलो मैं पुट करता हूं एक्स को पहले कॉस, क्या पुट करता हूं कॉस, अगर आप कॉस थीटा पुट करोगे देखते रहना भाई, ये साइन इनवर्स गन बुलेट, ध्यान से समझ लेना बता रहा हूं, एक्स इक्वल्स टू आपने कॉस थीटा पुट कर दिया, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर दिया, तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा ये निकलेगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और पास दे रखा है कि रहा माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय रूट टू लेस देन एक्स लेस देन वन बाय रूट टू, रहना बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप कुछ डिफरेंट चीज ले रहे हो, तो हर जगह नहीं मिलने वाली, एक जगह गिनी चुनी जगह मिलती है, मेन फोकस इसी चीज पे है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें ये वाली गलती कर, गलती नहीं करोगे अगर अच्छे से सीख लोगे तो। सुना बात ध्यान से भाई, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो मुझे करना क्या है, मुझे पता है कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलजेब्रिक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलजेब्रिक, तो एक्स को कुछ पुट करना है, पुट करने का आइडिया कहां से आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जैसा दिखता है या अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट भगाने के लिए हम क्या पुट करते हैं, या तो साइन पुट कॉस पुट कर दो आंसर आएगा ही आएगा, या तो साइन पुट करोगे या आंसर आएगा, साइन पुट करो या कॉस पुट करो, अगर मैं कॉस पुट करके आंसर निकालूं तो आंसर तो आ जाएगा, देखते हैं चलो कैसे, मान लो मैंने x इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर दिया, y साइन इनवर्स टू x की जगह मैंने पुट कर दिया कॉस थीटा एंड अंडर रूट x की जगह कॉस थीटा पुट किया, तो यहां पर भी x की जगह कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपलीफाई करते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो गया 2 cos थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा sin थीटा, तो मेरे पास ये आ गया y is equal to sin इनवर्स, क्या देखो अंदर बाहर sin इनवर्स अंदर मुझे क्या बनाना है sin, तो ये फार्मूला है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a किसका फार्मूला होता है 2 sin a cos a, sin 2a का, ये हो गया sin 2a, a कौन है यहां पे, मैंने थीटा मान लिया ये कट गया, तो y equals to क्या हो गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू ये निकाली हमने, तो y is equals to क्या हो गया 2 cos inverse x, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dy by dx, 2 कांस्टेंट बाहर, cos inverse x का क्या होता है minus 1 upon में under root 1 minus x square, ये आंसर आ गया cos, sin पुट करूं तो भी आंसर आएगा, अगर मैं पुट कर दूं क्या भाई sin आंसर तो तब भी आएगा, ये तो रहा कॉस पुट करके आंसर, अगर हम देखते हैं ना भाई अच्छे से समझ लेना इसको, ये क्वेश्चन मेरे सामने है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करना है भैया, पुट करने का ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन अंडर रूट होता है तो मैंने आपको लिखवा दिया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर में क्या क्या पुट कर सकते हो साइन या कॉस, अभी मैंने कॉस पुट करके करता हूं साइन, पुट एक्स इक्वल्स टू क्या साइन थीटा या साइन ए, इससे दिक्कत नहीं है,
वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टू एक्स की जगह साइन थीटा, साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, वाई इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स, ये हो गया टू साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ गया वाई इज इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया, टू साइन ए कॉस ए वही फॉर्मूला बन गया, यानी क्या साइन टू थीटा, ये कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास वाई वैल्यू, आप यहां से निकालोगे तो क्या निकलेगी, उसको क्या हो गया टू मर्जी करते नंबर मिलता, अगर ये बात नहीं लिखी होती साइड में तो तब होता भगवान, समझ रहे हो, साइन पुट करके निकालते कॉस पुट करके निकालते दोनों सही होते हैं और दोनों से नंबर मिलते हैं, लेकिन ये साइड में जो बात दिया ये बात आपको रोक रही है कि आप दोनों से नहीं सकते, किसी एक से सही होगा किसी एक से गलत होगा, अब गलत कौन सा सही कौन सा, सुनना बात, अगर आप पुट किया था x इक्वल्स टू क्या cos, ठीक है, तो हमारे पास आ रहा था, तो इस तरफ ले जाओगे तो cos इनवर्स x बराबर, क्या हमारे पास दे रखा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे कि हमारे पास ये दे रखा है, इसमें आप टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ, taking cos inverse on both, तो फायदा क्या होगा, पता लग जाएगा, cos inverse लेते हैं दोनों का, cos inverse ये हो जाएगा minus one by root two less than, मतलब taking cos inverse, जब दो तरफ होती दोनों तरफ लेते हैं और तीन पार्ट होते हैं तीनों में लेते हैं, cos inverse यहाँ पे, cos inverse यहाँ भी, cos inverse x और ये cos inverse by root, ठीक है बच्चों, अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्या करो सिंप्लीफाई, तो आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को निकालने का तरीका है, वो तरीका क्या है, ये चैप्टर नंबर टू का कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको बस खाली, तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू आ गया बच्चों, क्या आ गया कॉस इनवर्स, और कॉस की जो रेंज होती है, कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या थी, जीरो से पाई, जीरो से पाई, और ये नेगेटिव है, कॉस का फंक्शन नेगेटिव sec, अब भी बता आपका सब जब चैप्टर नंबर आपको पता लग जाएगा ये हम कैसे निकालते हैं, तो ये पूरा एक टॉपिक है, कॉस इनवर्स 1 बाय 2 तो 1 बाय रूट 2 तो इसका आएगा पाई माइनस, पाई माइनस और ये पाई बाय, ध्यान से देखते रहे ना भाई, तो इसकी ये आई आएगी रेंज, जिसकी रेंज पाई माइनस पाई बाय फोर, ये क्यों ये पता लग जाएगा, लेस देन ये क्या हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या थीटा, इसको सॉल्व करोगे जब आप टू के रूल से हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा पाई बाय फोर, हो गया 180 माइनस 45 डिवाइड करोगे 4 पाई माइनस पाई 50 पाई बाय फोर, कहने का मतलब तो थीटा है, उसकी जो जो कॉस इनवर्स एक्स है उस है वो क्या आ रही है, ये आ रही है पाई बाय फोर से आएगा 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 तो पाई बाय टू और ये क्या होता है पाई, तो बच्चों अगर कॉस पुट कर दिया इनवर्स एक्स तो आप की जो रेंज है वो क्या आ रही है पाई बाय फोर से 45 से और यहाँ तक आ रही है, ये जो रेंज होती है वो होती है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स
हमारे पास कैसा फंक्शन है, साइन ये गोलियां है, गोली ये डाली, तो रेंज क्या होनी चाहिए, क्या होती है इसकी, 0 से पाई बाय 2 और 0 से माइनस पाई बाय 2, ये इसकी रेंज। तो आपने देखा जब आपने कॉस किया तो हमारे पास जो रेंज है वो कहां से कहां तक आ रही है, ये आ रही है पाई बाय 4 कॉस इनवर्स ऑफ बोथ साइड किया, तो आपने देखा थीटा कॉस इनवर्स x जो है की रेंज आ रही है हमारे पास कहां से कहां तक आ रही है, ये थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, यानी थीटा जो रेंज है वो कहां से यहां तक लग जाए कि हमें करना क्या है। नंबर 2 में बहुत सारी चीजें पूरा डिस्कस किया नंबर 2, तो हमने क्यों कॉस पुट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन, तब हम इसके अंदर cos put नहीं करेंगे, क्या put करेंगे, sin। हाँ अगर यहाँ पे cos inverse होता तो cos put कर सकते थे, क्योंकि वो cos inverse की रेंज में आता, अगर यही लिखा होता तो। आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया है मोटे तौर पर क्या इसमें cos put नहीं करेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज cos इनवर्स की रेंज में जाएगा, cos इनवर्स की रेंज से भाई, जबकि ये तो और ये पूरी इसकी बुलेट होगी, बुलेट होने से तो इसकी रेंज होना चाहिए। एक कुछ कुछ आई बात समझ में, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आ जाएगी तो तरीके से क्वेश्चन कर लिया इनवर्स की तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोई रोल है नहीं कर रहे क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा तब पकड़ेंगे इनको। ये रखो हमारे सामने ऐसा पुट करना है, इससे बताओ sec इनवर्स है तो अंदर sec बचता है, फॉर्मूला है का cos 2a के चार फॉर्मूले किए थे हमने, एक किया था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक किया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एक किया था हमने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक और किया था हमने 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूले करे थे हमने चार। बताओ नीचे देखो ये फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, ये वाला बन रहा है, तो इसमें पुट कर दो थीटा, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा या cos a आपकी मर्जी है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास sec इनवर्स एंड 1 अपॉन में 2 cos a पुट कर दिया मैंने, तो cos स्क्वायर a माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स और ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या हो गया cos 2a, cos 2a हो गया। अब क्या करोगे भाई, तो y इज इक्वल टू ये हो गया sec इनवर्स, और ये 1 बाय cos क्या होता है sec, 1 बाय cos क्या होता है sec, तो ये हो गया sec 2a, दिस विल कैंसिल आउट एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया 2a, a की वैल्यू यहां से निकलती है, इसको इस तरफ ले जाओगे तो cos इनवर्स x बराबर a, तो ये क्या हो गया y is equals to 2a क्या हो गया cos inverse x, तो इसका डेरिवेटिव कर दो dy by dx, 2 कांस्टेंट बाहर cos inverse x का minus 1 upon under root 1 minus, क्लियर है भाई। नेक्स्ट चल तो इतने ही क्वेश्चन है 15 तक, तो बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 5.3 कर ली और बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से सीखा है
क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। एनसीईआरटी में बहुत कम सा सिलेबस है, बहुत कम से क्वेश्चंस है। तो अभी हम मैं एक बार आपको एनसीईआरटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी चल रही है, एक बार एनसीईआरटी बेसिक सीख लो। जो मेन है क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो वो करना स्टार्ट करेंगे। वैसे भी इस साल बढ़िया लेवल का तो मुझे लगता नहीं आपके पेपर में आने वाला है, पेपर तो लल्लू सा ही आएगा बेसिक। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि एनसीईआरटी में से ही आना चाहिए मैक्सिमम पेपर, 40-60% तो हमेशा हर साल एनसीईआरटी में से आता ही है, लेकिन इस बार मान रहे हैं कि 90% समझ लो एनसीईआरटी में आए, एनसीईआरटी बिल्कुल। इसके साथ ही क्लास खत्म होती है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे 5.3 हमने कर लिए, 5.4 कर चुके हैं, 5.5। चलिए ओके, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, साइज 5.3 हमने कर लिया है, तो इसके साथ ही होती है क्लास खत्म।